अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वसीम सजाद, मैं अपने चैनल खुश आमदीद कहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप बेलारूस में कैसी स्टडी हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो अगर आपको बेलारूस में स्टडी करते हैं तो आपको वो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं जो आप बेलारूस में स्टडी करने के लिए अहल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है, मास्टर लेवल के डिग्री के प्रोग्राम हैं जो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं बेलारूस में, और डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। पर पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, इंडिया में इसकी एम्बेसी मौजूद है, वहाँ पर आप इसको वीज़ा प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आपने जो करना होता है वो सबसे पहले आपने काम करना होता है, अपने कोर्स सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी से रब्ता करना होता है कि ये मुझे कोर्स में दाखिला चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपकी जो फीस होती है तकरीबन $60 या 60 यूरो होती है तकरीबन, वो आपको पे करनी होती है और उसकी प्रोसेसिंग करती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को वो ट्रांसफ़र करती है, और उसके बाद जो आपको मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो होती है वो आपको मतलब एक इन्विटेशन लेटर की सूरत में, एक्सेप्टेंस लेटर की सूरत में जो यूनिवर्सिटी है वो आपको प्रोवाइड करती है लेटर। जो लेटर होगा वो मिलता है, वो आपने क्या करना होता है, वो बेलारूस जो एम्बेसी हो आपके कंट्री में या पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, वहाँ पर आपने जाना होता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पासपोर्ट, आपके बैंक स्टेटमेंट, सारा कुछ जो होता है वो आपने वहाँ पर जमा करना होता है बैंक अपना एम्बेसी में, तो आपको वो वीज़ा देते हैं। पर आजकल कुछ मसला हो रहा है कि या पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिल रहा, ये कुछ मतलब पॉलिटिकल कुछ मतलब होते हैं इसमें, आपको पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल रहा या मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, लेकिन मिल जाता है, इसमें कुछ सब्र करें, कोई मसले में बात नहीं है। लेकिन जो इसकी तकरीबन कास्ट आती है वो बिल्कुल सस्ते दामों पर आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर 2 साल या 4 साल रहते हैं तो आपको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट भी मिल सकती है आपको वहाँ पर रहकर। तो आप पाकिस्तान से हैं तो आपको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट मिल सकती है। और दूसरी बात, मज़े की बात बताई क्या है, अच्छा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसमें तकरीबन आपकी तकरीबन जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो तकरीबन $2000 से लेकर $6000 तक होती है। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है अगर आप कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जाते हैं वो तकरीबन MBA में दाखिला एडमिशन लेते हैं और तकरीबन $6000 उसकी फ़ीस होती है, और इंजीनियरिंग कुछ कम होती है तकरीबन 2500 या 4000 या 3000 तक होती है उसमें। और ये आपको मतलब इसमें आपको वर्क अलाउड होता है, लेकिन इलीगल भी होता है, लेकिन लीगल भी होता है, आप उसमें वर्क पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तकरीबन आप महीने का 50-60 हज़ार पाकिस्तानी हिसाब से आप उसमें कमा सकते हैं, ये आपको वर्क पार्ट टाइम होता है तकरीबन 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने कुछ शेयर की, और उम्मीद करना बिल्कुल पसंद आई होगी। तो वीडियो को एंड तक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह नगेबान।